हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में। ये बहुत ही वाइडली यूज होती है। जैसे कि हम जानते हैं कई सेल ऑर्गनली हम इजीली नहीं देख पाते लाइट माइक्रोस्कोपी से, इजीली लाइट माइक्रोस्कोपी से, क्योंकि जो डिफरेंस है उसके बैकग्राउंड में लाइक प्लाज्मा से और उसका, क्योंकि हम उसको स्टेन तो कर नहीं सकते क्योंकि हम उसको लाइव देखना चाहते हैं, तो उसकी वजह से वो दिख नहीं सकता क्योंकि उसके बीच में डिफ्यूटेड एंड अनडिफ्यूटेड लाइट के बीच में बहुत ही थोड़ा डिफरेंस होता है और उसका कॉन्ट्रास्ट बहुत ही लो होता है। तो बाय यूजिंग फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी वो डिफरेंस हम बढ़ा सकते हैं। जैसे नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोपी है वैसे ही है, लेकिन इस माइक्रोस्कोप में एक चीज ऐड हुई है और वो है फेस प्लेट्स। दो तरह की प्लेट्स इसमें यूज होती है। एक प्लेट डायफ्राम में इंसर्ट हुई होती है और दूसरी प्लेट जिसको हम फेस प्लेट बोलते हैं वो होती है बॉडी ट्यूब में। तो जो भी प्लेट डायफ्राम में है वो कुछ ऐसी दिखती है। ये जो एरिया है वो क्या है? ओपन एरिया है। और ये जो एरिया है उसको बोलते हैं ओपेक एरिया। तो ये बिल्कुल नीचे होते डाय फ्राम के नीचे। जब लाइट आती है तो वो सिर्फ ओपन एरिया से ही पास हो पाती है। सिंपल छोटा सा होल और छोटा सा रे ही उसमें से पास हो पाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रे हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कॉन्ट्रास्ट बहुत कम है। तो हम उसको बढ़ाना है तो हम थोड़े में से ज्यादा बनाएंगे। ये पहले क्या करता है, थोड़े रे को ही पास होने देता है, ये उसका काम है। नाउ वो अब क्या करेगा, लाइट रे उस पर पड़ेगी। और अब दूसरी प्लेट है वो है फेस प्लेट। फेस प्लेट कुछ ऐसी दिखती है। साइड के सर्कल में पूरा ओपन एरिया होता है, लेकिन बीच में ओपेक नहीं लेकिन थोड़ा थिक पार्ट होता है, क्योंकि जो क्योंकि हमें क्या करना है, डिविडेड एंड अनडिविडेड लाइट को एक साथ में ट्रैवल करना है, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और ब्राइटनेस बढ़ेगी। किसकी? हमारे रिजल्टेंट वेव की। जो अनडिविडेड लाइट है वो पास होगी थिकर एरिया से, जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड है वो कम होगी, क्योंकि इसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। फेज उसको बोलते हैं फेज शिफ्ट, तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में देख रखा है। आप पहले फेज शिफ्ट देख लीजिए तो आपको इसका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम कॉन्ट्रास्ट कैसे बढ़ाते हैं इसको सिंपली इस प्लेट को यूज करते हुए। ये क्या करेगा, जो डिविडेड लाइट है वो किसी से पास होगी ओपन एरिया में से, तो वो अपनी स्पीड से निकलेगी, लेकिन जो अनडिविडेड लाइट है वो ज्यादा स्पीड से निकलेगी, तो इसकी स्पीड हमें कम करनी पड़ेगी। कितनी? जो डिविडेड लाइट की है वैसी करनी पड़ेगी। वो हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसको थिकर पार्ट में से निकल के, इसकी स्पीड लो हो जाएगी, तो दोनों साथ में ट्रैवल करेंगे। तो ये काम है फेस प्लेट का। अब आप इमेज में दे सकते हैं उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन। तो लाइट सोर्स से लाइट बाहर आती है तो वो सीधा जाती है डायफ्राम में, जो एन्यूलर रिंग है, जो फेज रिंग है उसमें, तो छोटा सा कॉन ऑफ रे उसमें से बाहर निकलता है और वो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। ऑब्जेक्ट में से जो डिविडेड लाइट है वो सीधा आएगी ऑब्जेक्टिव से होते हुए बॉडी ट्यूब में दूसरी रिंग पे खास, और दूसरी रिंग में जो ओपन एरिया है वहां से डिविडेड लाइट पास होगी, और जो अनडिविडेड लाइट है वो पास होगी जो रिंग के बीच का थिकर एरिया है, जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड है वो लो हो जाएगी, और जिसकी वजह से डिविडेड एंड अनडिविडेड दोनों की दोनों लाइट फेज में ट्रैवल करेगी, एक साथ ट्रैवल करेगी, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का वो डबल हो जाएगा, और जो कॉन्ट्रास्ट है वो डबल हो जाएगा, और जो इमेज है वेरी क्लियर दिखेगी बैकग्राउंड में, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही डिफरेंट दिखेगा क्योंकि उसमें जो डिफरेंस है बहुत बड़ा आ जाएगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का। जो भी हम सेल लाइव देखना चाहते हैं, माइटोसिस है, सेल डिवीजन है, इम्यूनो सेल्स है, वो हम इस माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं। ये उसकी बड़ी एडवांटेज है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको मुझसे कुछ सीखना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।